हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक एंटी एजिंग फेस मास्क बनाने का तरीका। ये बहुत ही इफेक्टिव फेस मास्क। फ्रेंड्स, अगर आपके फेस पे रिंकल्स फाइन लाइंस है तो ये उसको भी रिमूव करेगा, ओपन पोर्स को मिनिमाइज करके आपकी स्किन को टाइट और फर्म बनाएगा। इसके यूज से आपकी स्किन से ब्लैक हेड्स, ब्लेमिशेज, एक्ने मार्क्स दूर हो जाएंगे। अगर आपकी स्किन टोन अनइवन है तो ये फेस मास्क आपको इवन स्किन टोन प्रोवाइड करेगा। तो चलिए देख लेते हैं इसे बनाना कैसे है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को हिट करके ऑल पे क्लिक करिए, और हमारे चैनल को लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल में सूदिंग और कूलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है। ये हमारे कोलेजन प्रोडक्शन को इंक्रीज करके फाइन लाइंस और रिंकल्स को रिड्यूस करता है और हमारे स्किन को टाइट और फर्म बनाता है। ये लेंगे हम एक चम्मच। एंड हम इसमें ऐड करेंगे पोमोग्रेनेट पील पाउडर। ये अनार के छिलके का पाउडर है। अनार के छिलके में एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा अमाउंट में होता है जो हमारे स्किन से बैक्टीरिया और अदर इन्फेक्शंस को दूर करता है और एक्ने पिंपल्स होने से भी रोकता है, और ये यहाँ पे एक स्क्रब का काम करेगा। तो ये हम इतना सा डालेंगे इसमें। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे रोज़ पेटल पाउडर। रोज़ पेटल पाउडर अगर आपके पास नहीं है तो आप एक रोज़ ले लें, उसकी पत्तियों को अलग करके उसे ड्राई कर लें। ड्राई करने के बाद उसे ग्राइंडर में पीस लें तो आपका रोज़ पेटल पाउडर तैयार हो जाएगा। ये हम इतना लेंगे। रोज़ पेटल पाउडर आपके चेहरे को कूलिंग और सूदिंग इफेक्ट देता है। ये रिंकल, डार्क सर्कल्स को दूर करता है। अगर आपकी स्किन अनइवन है तो ये आपके स्किन टोन को इवन बनाता है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे बीटरूट जूस। बीटरूट जूस या चुकंदर का जूस। चुकंदर के जूस में विटामिन सी ज़्यादा अमाउंट में होता है जो हमारे चेहरे से दाग धब्बों को दूर करके हमें एक नेचुरल और पिंकिश ग्लो देता है। ये हम ऐड करेंगे इसमें एक चम्मच। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे रोज़ ऑयल। रोज़ ऑयल, ये मेरा होममेड रोज़ ऑयल है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चेक कर सकते हैं मैंने कैसे बनाया इसे घर पे। ये रोज़ ऑयल यहाँ पे हम ऐड करेंगे। कुछ ड्रॉप्स इसमें ऐड करना है हमें। ये हमारे स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगा, एक्ने पिंपल्स को दूर करेगा और हमें हेल्दी और ग्लोइंग स्किन देगा। और लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे एक विटामिन ई जेल कैप्सूल। ये हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, क्योंकि हेल्दी स्किन पाने के लिए स्किन हाइड्रेट रहना और मॉइस्चराइज रहना बहुत ज़रूरी है। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, हमारा मास्क बनके रेडी है और इसे अप्लाई करने का तरीका भी बहुत आसान है। आप पहले अपने चेहरे को अच्छे से क्लीन कर लें, उसके बाद इस पैक को अपने चेहरे पे लगा लें और इस पैक को 20 मिनट तक अपने चेहरे पे लगा रहने दीजिएगा, जब तक कि ये ड्राई ना हो जाए। उसके बाद आप अपने चेहरे पे थोड़ा सा पानी स्प्रे करके हल्के हाथों से आप इसे स्क्रब करें अपने फेस पे, क्योंकि हमने यहाँ पे यूज़ किया है पोमोग्रेनेट के छिलके का पाउडर जो एक अच्छा स्क्रब का काम करेगा। ये आपके चेहरे से डेड स्किन सेल्स को रिमूव करेगा। तो आप इसे अच्छे से 2 मिनट तक स्क्रब करके नॉर्मल पानी से अपने चेहरे को वॉश। तो ये था मेरा आज का वीडियो। फिर हाजिर होंगी एक नई रेमेडी के साथ। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।